ऑमलेट बना ले, ऑमलेट। हाँ चलेगा। दूध देखे होंगे नहीं, सामने दुकान है। हाँ हो जाएगा। ये तो भरने के लिए दो। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ 5 अंडे का ऑमलेट, इसके साथ में जैम सैंडविच। ब्राउन ब्रेड नहीं है, वाइट ब्रेड से ही काम चला रहा हूँ, और ब्लैक कॉफ़ी भी बनाई है। तो ये लेने वाला हूँ मैं ब्रेकफास्ट में, उसके बाद जाएंगे हम जिम। तो बात ऐसी है, मैं कल गया था शादी में, और वहाँ से मेरी मौसी का घर पास में था, तो मैं यहाँ आ गया। और मेरे को आज भी शादी में जाना है, तो मौसा जी भी जिम के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो आज मैं उनके साथ वर्कआउट करने वाला हूँ। मैंने सोचा कि मेरा फ्लैट यहाँ से 5-6 किलोमीटर समथिंग दूर है, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ ही वर्कआउट कर लेना। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने खुद के लिए और उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, और उसके बाद अब हम जाएंगे जिम और करेंगे मौसा जी के साथ वर्कआउट। तो चलते हैं जिम और करते हैं वर्कआउट। वैसे तो आज मेरा पुश डे है, तो देखते हैं जाके क्या होता है, क्योंकि पुश 1 में लगा चुका था और आज मेरा पुश 2 है, तो देखते हैं वहाँ जाकर क्या लगाने की इच्छा होती है। वैसे तो मैं पुश ही करूँगा, फिर भी स्टिल जाकर ही पता चलेगा। और जिम थोड़ा सा ही पास में है, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। और ये है हमारे मौसा जी। मौसा जी, इनके साथ करेंगे आज हम वर्कआउट। अच्छा, ये प्रोटीन प्लेनेट वाले का है क्या?
तो मैं रिटर्न आ गया हूँ फ्लैट पर, मैं नहाने के लिए आया हूँ, उसके बाद फिर से शादी के लिए जाना है, तो साथ में मिल भी पैक करवाना है क्योंकि आज बनाने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो अभी जल्दी से मैं नहाता हूँ, उसके बाद मिल पैक करवा कर फिर से मैं शादी में जाऊँगा। और रही बात वेजिटेबल्स की, तो वहाँ पर कल रात में भी बहुत सारा हेल्दी सैलेड था, तो आई होप आज भी होगा, वेजिटेबल्स तो होगी ही, तो मैं वेजिटेबल वहीं से ले लूँगा। तो सिर्फ हमें प्रोटीन और फैट्स की ही जुगाड़ करना है, कार्बोहाइड्रेट्स रोटी वगैरह वहाँ पर मिल जाएगी। तो ठीक है, जल्दी से रेडी होते हैं और फिर चलते हैं फिर से शादी में। और मैं खा रहा हूँ ये वेजिटेबल सूप, और ये खाएगा ये, मैं नहीं। तो मेरा है सिर्फ ये सूप और ये पनीर सैलेड बस, और ये बाकी सब यही खाएगा। और मैं रूम पे अकेला हूँ, तो मैं बहुत सारी वेजीज खरीद के लाया हूँ, खाना खुद बनाना पड़ेगा। तो मैं वेजिटेबल सैलेड बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी वेजीज कट करी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है ब्रोकली, ये शिमला मिर्च, बीन्स, टमाटर, और मैं थोड़े से स्प्राउट्स भी लेके आया हूँ। तो चलिए अब बनाते हैं अच्छा सा एक सैलेड। और ये सैलेड बन चुका है, इसको मैंने दो अलग अलग मील में रख लिया है, और साथ में मैं सैंडविच भी बना रहा हूँ, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। ये बन रहा है सैंडविच, इसको थोड़ा सा मैं ग्रिल कर रहा हूँ, उसके बाद हम करेंगे हमारा लंच। तो मैं लंच कर चुका हूँ और अब मैं पढ़ूँगा नॉवेल, जो कि मैंने अभी अभी ये अच्छी हैबिट मेरे अंदर ऐड की है, क्योंकि मैं मेरी स्पोकन क्लास भी रनिंग है। तो मैं ये व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।